अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये देख रहे हैं, ये मटकी है, ठीक है, ये ज़ेब्रा फिंच की मटकी है। हम नेस्टिंग करने वाले हैं और नेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ मैं, नेस्टिंग कौन सी है। आपने वीडियो पे थंबनेल में भी देख ली होगी नेस्टिंग कैसी है। तो नेस्टिंग हम करने वाले हैं इसके अंदर, बाकी सारी मटकियाँ निकाली नहीं है। ये देखें मटकियाँ सारी लाइन से रखी हुई हैं, तो नेस्टिंग करके दिखाता हूँ मैं नेस्टिंग किस तरीके से की जाती है ज़ेब्रा फिंच की। तो वीडियो पूरी देखना, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन आ रही होगी बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली मटकी रखते हैं साइड में, ये देखें ये मटकी उठाई हुई है, इसके अंदर अंडे अंदर दबाए में, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी नेस्टिंग हम निकाल देंगे बाहर, ये नेस्टिंग हमने निकाल दी है, ये बाहर फेंक देंगे, बाकी ये जो बुरादा है इसके अंदर। तो उससे पहले अपने को इसके अंदर टूथपेस्ट पाउडर जो ये मोर्टिन का हमने रखा हुआ है इसके अंदर ये डालेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। देखें ये हमने इसके अंदर डाल दिया। तो ये चीज़ डालने के बाद अब हमें नेस्टिंग करनी है। इसकी नेस्टिंग किस तरीके से करेंगे तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नेस्टिंग मैंने काट के रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये नेस्टिंग मैंने काट के रखी हुई है। तो ये नेस्टिंग करेंगे हम अभी, ये देख सकते हैं ये नेस्टिंग मैंने इस साइज़ में काट के रखी हुई है। तो इंशाल्लाह इक्वली साइज़ में मैंने काट के रखी हुई है, इंशाल्लाह ब्रीड अच्छी आएगी इसके अंदर। नेस्टिंग बेहतरीन नेस्टिंग है, ये मैंने मंगवाई है मुल्तान से, मंगवाई है स्पेशली बर्ड्स के लिए। तो इंशाल्लाह इससे रिजल्ट अच्छा आएगा। कोशिश यही है कि अब अंडे अंदर नहीं घुसेंगे, वरना अंडे अंदर घुस जाते हैं नेस्टिंग के अंदर, ये इशू आता है बहुत से भाइयों के पास, क्योंकि ये वाली नेस्टिंग वही भी होती है। ये देखें इसके अंदर, ये नेस्टिंग के अंदर अंडे अंदर घुस जाते हैं, ये वाली नेस्टिंग में और ये वाली नेस्टिंग में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ये देख सकते हैं आप। तो चलें नेस्टिंग करते हैं। ये मैंने इधर से थोड़ी सी ले ली है, ये इतनी ले लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको साफ़ करनी है, ये मटकी रखी हुई, ठीक है, ये मटकी के अंदर ऐसे जाएगी, तो ये थोड़ी सी हाथ डाल के ये ऐसे फैला देंगे हम, ये फैला देंगे। तो ये है कि इसके अंदर नेस्टिंग का थोड़ा सा वो बन जाएगा, ये आगे से मुंह खोल देंगे इसका, ठीक है, मुंह खोल देंगे। बाकी ये नेस्टिंग हमारी तैयार हो गई है ज़ेब्रा फिंच के लिए, समझ लें हमने 90% नेस्टिंग इसकी कर दी है। अब 10% जो भी रहेगी, मतलब के वो नेस्टिंग ये खुद कर लेगी ज़ेब्रा फिंच, ये देख सकते हैं आप 90% नेस्टिंग हो चुकी है ज़ेब्रा फिंच के लिए। बाकी जो 10% रहेगी वो ज़ेब्रा फिंच खुद करेगी, मतलब के ज़ेब्रा फिंच जो खुद करेगी वो बेहतरीन नेस्टिंग होगी, मतलब के वो अपनी तरीके से सेटिंग कर लेगी। बाकी मटकी का साइज देख सकते हैं, ये मटकी इस्तेमाल कर सकता हूँ कर सकते हैं, ये देखें ये थोड़ी टूटी हुई है, बहरहाल ये इस्तेमाल में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, ये लगा दूँगा मैं अपने बर्ड्स के लिए, ठीक है। बाकी मटकी का साइज़ देख सकते हैं, नेस्टिंग देख सकते हैं, ये नेस्टिंग कर दी है मैंने, ठीक है। आपको एक और मटकी के अंदर करके दिखा देता हूँ, ये टूथपेस्ट पाउडर लिया हमने, ये थोड़ा सा डाला, ये डाल दिया, ठीक है ना, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टूथपेस्ट पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, ये नेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ, ये नेस्टिंग करके दिखाता हूँ मैं वापसी से। ये थोड़ी सी हमने घास ली इधर से, ये थोड़ी सी घास लेके
की मटकी रखी थी, ये मटकी के अंदर ऐसे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको फैला देनी है अंदर से। फैलाने के बाद ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेड नमूने का इसके अंदर बन गया है। नेस्टिंग देखें कैसी बेहतरीन हो गई है इसके अंदर। यही चीज़ आपको करनी है अपने बर्ड्स के लिए, प्रोवाइड करनी है। ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन नेस्टिंग है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। बहरहाल ये मिल जाएगी, लालू खेत बर्ड्स मार्केट में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी कोई भी बर्ड शॉप पे कराची के अंदर मिल सकती है। ये ऐसा नहीं है कि ये मिलेगी नहीं आपको नेस्टिंग, ये बिल्कुल बआसानी मिल सकती है नेस्टिंग। मुझे तो ये मैंने क्वांटिटी में मंगाई थी, तो इस वजह से ये मैंने ज़्यादा मुल्तान से मंगा ली थी, क्योंकि रेट थोड़ा उधर का सही था। उधर से मेरे को 180 रुपये में पड़ी है, बाकी इधर मिल रही है जो वो मिल रही है 250-300 रुपये में मिल रही है, ठीक है। ये नेस्टिंग हो गई है, ये ऊपर से जो निकले में इन्हों को तो हम थोड़ा सा काट देंगे। इधर देखूँ मैं, कैंची देखूँ कहाँ पे रखी है। ये हमारी कैंची आ गई है, इसको हम थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे ऊपर से ये काट दें, ठीक है। ये सफाई कर दें, बाकी हमारी नेस्टिंग कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। इसके अंदर देख सकते हैं आप अंडे अंदर नहीं जाएंगे, अंडे बिल्कुल भी मतलब के नीचे दबेंगे नहीं इसके अंदर। तो यही चीज़ आपको नोट करनी होती है, अगर आप ये चीज़ नोट कर लेंगे इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग बहुत बेहतरीन आएगी। आपको एक छोटी मटकी के अंदर भी दिखा देता हूँ, मैं एक ये साइज़ भी यूज़ करता हूँ, इसके अंदर भी रिजल्ट अच्छा आता है। बहरहाल मेरा जो मटकी का रहन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि किस तरीके की मटकी मैं लगाऊँगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर। तो मैं उस तरीके की मटकी लगाऊँगा, इसके अंदर भी मैं नेस्टिंग वगैरह के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से भाइयों ने ऐसी भी मटकी लगाई भी है, तो ये वाली भी नेस्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये नेस्टिंग कर दी है हमने, इसके अंदर थोड़ा सा ये फीडर डाल के कैंची डाल के मतलब के इसको खिला देंगे। ये फैलाने के बाद ये जो ऊपर के निकले हुए हैं ना, ये देख सकते हैं नेस्टिंग कितनी बेहतरीन होगी। ये चीज़ चेक करें आप, ये ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा, ये ऐसे करके ये हम काट देंगे ताकि ढक्कन सही से बंद हो, ढक्कन के अंदर कोई परेशानी ना हो हमें। तो ये नेस्टिंग चेक करें आप, बड़ी बेहतरीन नेस्टिंग हुई है। तो ये चीज़ दिखानी थी आपको, मैंने आपको 2-3 मटकियों में नेस्टिंग करके दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आ रही होगी लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया करें। अल्लाह हाफिज़, प्रिय मानुल्लाह।